तो बच्चों, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि शो करो कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो इस फॉर्म में होंगे 6q+1, 6q+3, 6q+5, जहां पर जो q है वो सम इंटीजर है। ओके, इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। तो ये हमने कैसे करना है, लिखना है लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 6। अब आप पूछोगे कि मैंने ये ए और बी और ये 6 कहां से ले लिया, तो बाय Euclid's division lemma, by Euclid's division lemma, formula क्या होता है student? A is equal to B, B Q plus R, जहां पर A क्या होता है dividend, B क्या होता है divisor, Q क्या होता है quotient और R क्या होता है remainder। अब ये देखें ये क्या बन रहा है, 6q+1, अगर यहाँ पर हम रख देते हैं 6q+1 तो ये कुछ ऐसी फॉर्म बन रही है। यहाँ पर जो 6 है वो किसके इक्वल है, b के, मतलब b 6 है, q क्या है, q है और रिमाइंडर क्या हमारा 1 है। तो इससे मैं चल रहा पता है ये ऐसी फॉर्म है, तो इसलिए हमने b को 6 मान लिया, a मान लिया हमने एक पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ पर कुछ हमारी कंडीशन होती है कि जो हमारा q होता है, जो क्यू होता है इसको हम स्मॉल क्यू भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में लिए तो स्मॉल क्यू लेते हैं, स्मॉल और स्मॉल आर ले लेते हैं। ओके, स्मॉल क्यू ले लेते हैं और स्मॉल आर ले लेते हैं। तो जो हमारा क्यू होता है स्टूडेंट वो ग्रेटर देन जीरो होता है और इक्वल टू भी हो सकता है, मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो है। और यहाँ पर जो आर होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है और बी से लेस होता है। जो हमारा रिमाइंडर होता है, ये कंडीशन है, वो जीरो के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। तो हम लेते हैं देयर फोर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी जो आर की वैल्यू होगी वो होगी जीरो के इक्वल होगा तो जीरो और बी से छोटा होगा, और बी की वैल्यू हमारी क्या है 6, तो 6 से छोटा कितने नंबर होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारी आर की वैल्यू होगी, आर की वैल्यू क्या है इक्वल टू जीरो और जीरो से बड़ा, ये सब जीरो से बड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और जीरो जीरो के इक्वल है, और 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या जीरो से बड़े हैं और ये बी से छोटे हैं, बी कितना हमारा 6। तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हमने क्या करना है, व्हेन व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो, तो जो हमारा ये फॉर्मूला है स्टूडेंट कि यहां पर अगर हम 6 पुट कर देते हैं डायरेक्टली, ऐसे करते हैं, अगर यहां 6 पुट कर देते हैं हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहां पर हम बनाएंगे कि जब हमारा आर जीरो होगा तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए हमारा क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर है। हमने लिखा है लेट, जो हमने लेट किया है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ये आपको देख रहा है ना, ए क्या हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 6q+0, आर की वैल्यू क्या जब जीरो होगी, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा 6q होगा, तो 6q लिख लेते हैं। व्हेन आर इज इक्वल टू 1, जब r 1 होगा तो हमारी वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू हमारी आएगी स्टूडेंट, a इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 6q+1। और जब हमारा r 2 होगा तब हमारी वैल्यू क्या आएगी a की, 6q+2। r 3 होगा वैल्यू आएगी 6q+3। आर 4 होगा वैल्यू आएगी 6q+4। आर 5 होगा वैल्यू आएगी 6q+5। तो हमारी सारी वैल्यूज आ गई जब हमारा आर 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। अब हमने क्या चेक करना है, हमने यहां पर 6 का लिखना है टेबल, 6, 12, 18, 24, 30, 36,
36, 42, 48। अब देखें यहां पर क्या है, 6Q, यहां पर जो Q है, Q हमने क्या बताया कि वो जीरो के इक्वल है और जीरो से बड़ा है, मतलब 1, 2, 3, 4, 1000, 2000 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर स्टूडेंट मान ले कि जीरो ले लेते हैं, तो या फिर वन लेते हैं, ठीक है, जीरो भी ले सकते हैं, वन भी ले सकते हैं, अगर हम यहाँ वन ले लें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सिक्स, और जो सिक्स क्या है हमारा, एक पॉजिटिव एक्चुअली इवन नंबर है, ठीक है। अब बात को समझो, अगर या फिर मैं इसको इक्वल लिखता हूँ प्लस जीरो, अगर मैं सिक्स में जीरो ऐड कर दूँ तो ये क्या बनता है, सिक्स, सिक्स क्या हमारा इवन नंबर, 12 में जीरो ऐड कर दूँ तो क्या बनता है, 12, ये हमारा क्या है, इवन, 18 में कर दूँ तो ये हमारा क्या, इवन, और 24 में कर दूँ ये हमारा क्या, इवन, अगर हम मैं जीरो ऐड कर रहा हूँ, जो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये पूरी हो जाती है। और अगर मैं वन ऐड कर रहा हूँ, मान लो कि अगर मैं सिक्स में वन ऐड कर दूँ तो ये हमारा क्या बन जाता है, सेवन, सिक्स में अगर वन ऐड करता हूँ तो ये हमारा बनता है सेवन, और सेवन हमारा क्या है, एक ऑड नंबर है। सिमिलरली अगर जो नीचे नंबर हैं जितने 12, 18, 24, 30, सब में अगर मैं वन ऐड करता जाऊं स्टूडेंट तो ये हमारा एक ऑड नंबर ही आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं टू ऐड करता हूं तो ये हमारा क्या बनता है, एट, वो हमारा क्या, इवन, और जब मैं थ्री ऐड करता हूं तो हमारा बनता है नाइन, ठीक है, जब मैं थ्री ऐड करता हूं तो हमारा बनता है नाइन, नाइन क्या हमारा ऑड नंबर, तो हमने ऑड इंटीजर ओनली देखने हैं। और जब मैं 4 ऐड करता हूं तो हमारा क्या बनता है, 10, 6 में अगर 4 ऐड करता हूं तो बनता है 10, तो 10 हमारा क्या, इवन नंबर है, वैसे 12 में अगर 4 ऐड करता हूं तो बनता है हमारा 16, 16 हमारा क्या, इवन नंबर है। अगर मैं 5 ऐड करता हूं तो ये हमारा क्या बनता है, 6 + 5 = 11 एंड 12 + 5 = 17, ठीक है, 11 और 17 बन रहा है ना हमारा, 11 और 17 बन रहा है, तो ये हमारे दोनों क्या, ओड नंबर है। और हमने क्या पता करना था कि 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5 हमने शो करना था कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर है कि नहीं, तो लास्ट में हम लिखेंगे हेंस एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 6Q+1 और 6Q+3 और 6Q+5। हमने क्या किया स्टूडेंट, कि सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा, उसके अकॉर्डिंग हमने Q की जो कंडीशन लिखी और R की कंडीशन लिखी, R क्या है हमारा, 0 के इक्वल होगा और B से छोटा होगा और R 0 से बड़ा भी होगा। R की हमने लिख ली वैल्यूज कितनी आएगी 0 से लेके 5 तक, उसके बाद हमने इस कंडीशन में पुट किया R की वैल्यू जो हमारे पास आएंगे, उसमें हमने 6 के टेबल पे देखा कि अगर हम फर्स्ट कंडीशन में अगर 6 के टेबल में 6 में अगर 0 ऐड करें तो वो क्या बनता है, वैसे ही अगर 6 में अगर हम 1 ऐड करें तो वो क्या बनता है, ओड बनता है, इवन बनता है, तो वो जो ओड बन रहे हैं ओड नंबर को हमने पिक करना है और यहाँ लिख देना है कि हैंस एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस एज 6Q+1 और 6Q+3 और 6Q+5। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा।